डायबिटीज यानी मधुमेह और पैनक्रियाटिक कैंसर यानी कि स्वादुपिंड के कैंसर, ये दोनों कंडीशंस के बीच में क्या कनेक्शन है? इज देयर अ लिंक बिटवीन डायबिटीज एंड पैनक्रियाटिक कैंसर? आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्ते, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एब्डोमेन यानी कि पेट के कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी एंड ट्रीटमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पैनक्रियाटिक कैंसर और डायबिटीज मेलाइटस यानी कि स्वादुपिंड के कैंसर और मधुमेह में कनेक्शन क्या है, क्या ये दोनों कंडीशंस आपस में लिंक्ड है, क्या मधुमेह के होने से पैनक्रियास कैंसर की रिस्क बढ़ती है या कैन इट कॉज पैनक्रियाटिक कैंसर। तो डायबिटीज इज़ अ वेरी कॉमन मेडिकल कंडीशन, हमारे आस पड़ोस में या फैमिली में ज़रूर सब लोग एक शायद से एवरीबडी माइट बी नोइंग एटलीस्ट एक व्यक्ति जिन्हें डायबिटीज मेलाइटस है। इनफैक्ट इंडिया को डायबिटीज मेलाइटस का वर्ल्ड कैपिटल भी कहा जाता है। ये कुछ मात्रा में हमारे लाइफस्टाइल या हमारे डाइट की वजह से भी है। सो व्हाट इज़ द रिलेशन एग्जैक्टली और डायबिटीज़ में और पैनक्रियाटिक कैंसर में? और पैनक्रियाटिक कैंसर एक ऐसी डेंजरस और डेडली बीमारी है जो कि ऑल्दो जिसका इंसिडेंस इंडिया में थोड़ा कम है, बट इससे होने वाला जो मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी है या जो डिसीज़ बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसा कोई भी एविडेंस जिससे कि हम पैनक्रियास कैंसर को अर्ली स्टेज में पिकअप कर सके, इससे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा जिससे कि पेशेंट को हम अर्ली ट्रीट कर सके और पोटेंशियली इस डिसीज़ को ऐसे स्टेज पे पकड़ सके जब ये क्योरेबल हो। तो डायबिटीज़ तब कहा जाता है जब पेशेंट के ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो। इसके टेस्ट करने के कई सारे तरीके हैं और उसमें से कुछ तरीके हैं, एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज यानी कि खाली पेट ब्लड का शुगर चेक करना और खाने के 2 घंटे बाद में ब्लड का शुगर चेक करना, या फिर ब्लड के HbA1c इस घटक की क्वांटिटी को मेजर करना। नॉर्मल HbA1c 6.5% से नीचे होता है और जब परसिस्टेंटली यानी कि प्रोलॉन्ग टेस्टिंग पे भी किसी व्यक्ति का HbA1c 6.5 ग्राम से अगर ऊपर है तो हम इसे डायबिटीज़ करके लेबल करते हैं। न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ तब कहा जाता है जब किसी व्यक्ति का ब्लड HbA1c लेवल 6.5 से ज़्यादा हो और ये डायग्नोसिस होने के पहले 3 साल में हम इसे टर्मिनोलॉजी लेबल करते हैं न्यू ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस। और दोस्तों, रिसर्च में ये पाया गया है कि न्यू ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस ये कई बार पैनक्रियाटिक कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है। तो 99% ऑफ न्यू ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस आर नॉट कॉज्ड बाय पैनक्रियाटिक कैंसर, बट 1% न्यू ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस ये पैनक्रियाटिक कैंसर के होने की वजह से हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है कि डायबिटीज़ और पैनक्रियास कैंसर एक साथ डायग्नोस हो? तो कभी कभी ऐसे देखा गया है कि पैनक्रियाटिक कैंसर ये इंसुलिन के ऊपर इफेक्ट करता है। अब इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो नॉर्मली पैनक्रियास में सिक्रीट होता है, पैनक्रियास के कुछ स्पेशल सेल्स में से सिक्रीट होता है और ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में यानी कि चेक में रखने का काम करता है। जब बॉडी के सेल्स इंसुलिन को रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तब इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है और इंसुलिन के बॉडी में होने पर भी ये उसकी एक्शन नहीं कर पाता है क्योंकि ये सेल्स उसको रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ कॉज ऑफ डायबिटीज इन मेनी पेशेंट्स। पैनक्रियास कैंसर के होने से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रमाण बढ़ जाता है और भले ही पेशेंट के बॉडी में इंसुलिन होता है बट ये इफेक्टिवली इन सेल्स के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता। तो कभी कभी पैनक्रियास कैंसर ये न्यू ऑनसेट डायबिटीज का कॉज भी बन सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिन लोगों को काफ़ी सालों से डायबिटीज़ है यानी कि 3 साल से ज़्यादा, जिसे हम न्यू ऑनसेट तो नहीं कह सकते बट इट इज़ अ एस्टैब्लिश्ड डायबिटीज मेलाइटिस, तो सच पेशेंट्स आर ऑल्सो एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ पैनक्रियाटिक कैंसर। इन पेशेंट्स की रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से लगभग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा होती है फॉर डेवलपिंग पैनक्रियाटिक कैंसर आगे जाकर। तो ऑल डायबिटिक पेशेंट्स शुड टेक द प्रिकॉशंस एंड गेट अ सोनोग्राफी और गेट अ सीटी स्कैन डन अगर उन्हें कोई भी सिम्टम्स सस्पेक्ट करते हैं जो पैनक्रियाटिक कैंसर से रिलेटेड हो सकते हैं। अब ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? टू पुट इट इन शॉर्ट, पेट में दर्द होना,
स्पेशली पेट के ऊपर की तरफ या फिर पीठ में दर्द होना, कावड़ या फिर जॉन्डिस यानी कि पीलिया, इसका बॉडी में होना यानी कि स्किन और आईज या फिर नेल्स में येलो कलर का डिसकलरेशन, यूरिन डार्क येलो कलर का आना, या स्टूल्स में कोई प्रॉब्लम आना, लूज मोशन या वाइटिश कलर के स्टूल्स आना, या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होना जिससे बिना डाइटिंग या बिना एक्सरसाइज किए हुए वेट लॉस हो रहा है। जो पेशेंट ने इसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लगाए हैं फिर भी ये अपने आप वजन घटता जा रहा है। तो ऑल दीज आर द साइंस ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर एंड डायबिटिक पेशेंट्स, वेदर न्यू ऑनसेट डायबिटीज या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, ये दोनों पेशेंट्स ने इसमें विजिलेंट होना पड़ेगा कि इसमें उनको पैनक्रियाटिक कैंसर के साइंस और सिम्टम्स अपने आप में मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। अगर कोई भी सिम्टम दो हफ्ते से ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं तो दैट्स द टाइम टू गेट इट चेकड आउट, किसी डॉक्टर को दिखा के, किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या किसी गैस्ट्रो कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखा के आपको कंसल्ट करवाना ज़रूरी है। अगर आपको पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में कोई भी डाउट है या कोई सवाल है, कोई आप ओपिनियन चाहते हो तो आप मुझे नीचे लिख सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो या फ़ोन पे मैसेज भेज सकते हो। थैंक यू वेरी मच।